की जनता करे मोदी सरकार। हम लोग अरवल औरंगाबाद पालीगंज बिहटा विक्रम से आए हैं। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन 2 फरवरी 1980 को चंद्रदेव वर्मा जी जो तत्कालीन सांसद से मरहूम हो गए नहीं है उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाने का काम किया था। और आज 2007 में जब लालू जी रेल मंत्री बने आपको बताते चले आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 9 बरस लगातार हुआ तब जाके सर्वे का काम चालू हुआ है। लेकिन आज 3,900 करोड़ का डीपीआर बन के तैयार है। लालू जी के घर तक रेलवे बनता है लेकिन हमारे अरवल जिला औरंगाबाद जिला से 90 लाख जनता के लिए अरवल जिला आज भी भारत के मानचित्र पर रेलवे नहीं है। केवल 16 अक्टूबर 2007 को शिलान्यास करके छोड़ देने का काम हुआ। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ रुपया देकर छोड़ दिया। आपको 2-2 मार्च सरकार मोदी जी का बना 40 में 39 सांसद माननीय मोदी जी का है जो देश के प्रधानमंत्री है देश के रेल मंत्री है। लेकिन आज अभी तक हम लोगों को आपको रेलवे लाइन का जो हम लोगों को मिलने का काम नहीं हुआ। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी जो जंतर मंतर पर आप हैं आप तमाम देश के बाबा साहेब अम्बेडकर का चौथा खंभा है। आप पत्रकारिता चौथा खंभा होता है। आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से कहना चाहते हैं कि आने वाला जो बजट आ जाए अगर हम लोगों को अपनी 3,900 करोड़ का राशि नहीं मिला तो हम लोग करो या मरो के तर्ज पर रेल नहीं तो वोट नहीं के नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नेताजी जो है आजादी के बाद से लेके सबसे ज्यादा रेल मंत्री बिहार के थे और बिहार से ही आप आए हैं रेलवे लाइन मांगने के लिए। कितनी विडम्बना है उन नेताओं को क्या कहेंगे उन मंत्रियों को क्या कहेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि 3 गो भारत के ताकतवर रेल मंत्री बने लालू जी नीतीश जी राम विलास पासवान जी। लालू जी घर तक रेल बनाए नीतीश जी नालंदा में रेल का जाल बिछा दिया राम विलास पासवान जी हाजीपुर में रेल का जाल बिछाया जोनल कार्यालय 4 राज्य का ले गया कि अरवल औरंगाबाद से रेल मंत्री बनेगा तब अरवल जिला को रेल मिलेगा। यही तो जंतर मंतर पर मोदी जी से पूछने आए हैं कि हमारे जिला को रेलवे कब मिलेगा। यही चीज पूछने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आज 10 वर्षों से कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 90 लाख जनता जो है बाट चोह रहा है आपके बजट का। आप अगर आज नहीं दीजिएगा तो रेल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर 2024 से पहले आप लोगों को रेलवे लाइन बेटा को नहीं मिला तो क्या आप लोग कैसे देखेंगे। हम लोग जन चेतना लगाएंगे गांव-गांव में कि रेल नहीं तो वोट नहीं और उसके तहत जो अभी राम कृपाल जी सांसद है जो भाजपा के है महाबली जी सांसद है काराकाट के जो जदयू के है सुशील सिंह औरंगाबाद के सांसद हैं जो भाजपा से हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जो अरवल जहानाबाद के सांसद हैं वो जनता दल यूनाइटेड से हैं और ये 39 सांसद जो इनका एनडीए का है अब क्या होगा तब मिलेगा रेलवे यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। नेताजी आप जो है यहाँ से कुछ ही दूर पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहते हैं आप जंतर मंतर पे मौजूद हैं बेटा रेलवे की तरफ से आप क्या उनसे आह्वान करेंगे। हम आह्वान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप 90 लाख जनता की आवाज को सुनिए आप 46 वर्षों का उस इलाके के जनता की बातों को सुनिए। आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं हम तो एक साधारण ट्रेन मांग रहे हैं इसलिए रेलवे लाइन देने का काम करिए। इसीलिए उनको जगाने के लिए जो गहरी नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए।